हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू स्पोर्ट्स यार्ड। मेरा नाम है राज, नाम तो सुना ही होगा। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आप अपनी बैट स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हो, वो भी तीन गुना। ठीक है, तो तीन गुना बढ़ाने के लिए ये नहीं होगा कि थोड़ा मोटा कर लिया आपने किसी चीज किसी बैट बैट को कहीं पे मार दिया या फिर 150 पट्टिया बांध ली तो तीन गुना बढ़ गई। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, मैं तुम्हें जेन्युइन टेक्निक बताऊंगा जो कि सच्ची में तीन गुना बढ़ा सकती है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है प्रैक्टिस करने की। ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर दम नहीं है प्रैक्टिस करने का तो नहीं बढ़ सकती। और सबसे पहले तो एक मिथ हम दूर करते हैं। ठीक है, बैट स्पीड क्या होती है पहले ये जान लो। बैट स्पीड ये होती है हम बैट को कितना तेजी से स्विंग कर सकते हैं प्लस में, या इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बस अंधाधुंध स्विंग करेंगे। ठीक है, तो उस मतलब बैट को तेजी से स्विंग करना है विदाउट लूजिंग अवर कंट्रोल, यानी अपना जो हेड पे कंट्रोल है, यानी बॉल को नजरों में रखते हुए अपना जो बैट की स्पीड है उसको इंक्रीज करना ही कहलाया जाएगा बैट स्पीड इंक्रीज करना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा शुरू करेंगे। आई नो थोड़ा सा आज ऑकवर्ड लग रहा होगा बिकॉज कुछ मिसिंग है ना। चलो कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है बैट स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं हम कैसे। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे टेक्निक के ऊपर। तो अगर आप तो अपनी टेक्निक सुधार सकते हो तो बैट स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, देखो टेक्निक में कैसे बताता हूँ मैं तुम्हें, अभी बताता हूँ। तुमने मेरी बैकलिफ्ट वाली वीडियो देखी होगी, नहीं देखी होगी मुझे पता है क्योंकि किसी को इंटरेस्ट नहीं है ऐसी वीडियो में, हम लोगों को इंटरेस्ट है शॉर्टकट में। तो अगर तुमने नहीं देखी तो अभी जाके देख लो क्योंकि फायदा होगा तुम्हारा। शॉर्टकट लाइफ में कोई काम नहीं आता, तुम्हें अगर कुछ करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। टॉपिक से नहीं भटकते, ठीक है। तो अब बैकलिफ्ट, जब हमारी ऐसे बैकलिफ्ट होती है तो यहाँ पे हम डिफेंस अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। बट जब बात आती है हिटिंग की यानी बैट स्पीड की, जब आपका बैट ही यहाँ पे है तो आप कैसे मार सकते हो तेज, यानी कैसे बैट स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। तो सबसे पहले टेक्निक ठीक करो, अपनी बैकलिफ्ट परफेक्ट करो। बैकलिफ्ट के ऊपर वीडियो है वो देख लो, स्ट्रेट बैकलिफ्ट, लो बैकलिफ्ट और परफेक्ट बैकलिफ्ट, तीनों देख लेना। तुम्हें तुम्हारी किस टाइप की है उसके फायदे क्या है देख लेना, वो तुम्हारे ऊपर है। तो परफेक्ट बैकलिफ्ट जैसी करोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारी बैट स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। मान लो तुम्हारी ये बैकलिफ्ट है, ठीक है, तो इसमें क्या है बैट यहाँ से ऊपर से आ रहा है तो ऑटोमेटिक जो स्विंग जनरेट हो रही है प्लस में तुम्हारे हाथ के अंदर कितनी ताकत है, तुम्हारी हिप्स के अंदर कितनी ताकत है वो भी डिफाइन करती है तुम्हारी बैट स्पीड क्या होगी, यानी तुम्हारी कलाइयों में कितना जोर है क्या है। तो तुम अपनी बैकलिफ्ट परफेक्ट कर लो। अब बात आती है दूसरी चीज की। दूसरी चीज ये है कि हम बढ़ा कैसे सकते हैं, मतलब क्या चीज जो है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालेगी तुम्हारी बैकलिफ्ट पे। तो मेन बात यार ये है, तुम चाहे डंबल चको चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है, उससे बैक स्पीड उतना ही बढ़ेगी जितना तुम फील्ड पे पसीना पाओगे। ठीक है, तो देखो मान लो तुम डंबल चकते हो कुछ भी करते हो तो उससे बैट लिफ्ट कैसे बढ़ेगी अगर तुम बैट को ही नहीं चकते। तो बैट चको यार, डंबल मत चको। मतलब फिटनेस है इंपॉर्टेंट, बट अगर तुम्हें क्रिकेटर बनना है तो 2 घंटे अगर तुम जिम में देते हो तो क्रिकेट में तुम्हें 4 घंटे देने चाहिए। तो बैट स्पीड बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि तुम जाके प्रैक्टिस करो, खेलो, तो ऑटोमेटिक बैट स्पीड बढ़ जाएगी। अब बात आती है तो बैट से हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे हमारी बैट स्पीड इंक्रीज हो। तो पहली बात तो प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। दूसरी बात हम ये कर सकते हैं कि हम नॉर्मल ड्रिल्स कर सकते हैं। नॉर्मल ड्रिल्स क्या होती है, मतलब मान लो बस तुम्हें इमेजिन करना है कि सामने से कोई बॉलर है, वो मान लो तुम्हें अपनी बैट स्पीड बढ़ानी है कवर ड्राइव में, तो तुम इमेजिन कर लो सामने से कोई बॉलर कवर ड्राइव वाली बॉल डाल रहा है, तो तुम्हें क्या करना है बस इमेजिन करो और अपना बैट को उस डायरेक्शन में बिना किसी बॉल के ले जाओ। ये तुम रिपीट करो, अब तुम्हें इजी लग रहा होगा, बहुत इजी, ओ भाई ये क्या है। तो अब मैं बताता हूँ तुम्हें, जब तुम ये 20 या 30 बार कर लोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा खुद ही कि कितना हार्ड है ये। तो ऑटोमेटिक तुम्हारी जो मसल्स है, जो कवर ड्राइव मारने में मसल्स काम आती है, वो वर्क करेगी और कुछ टाइम बाद, मतलब महीना दो महीना तो नहीं लगे, 1 महीने के अंदर ही तुम्हें इंप्रूवमेंट दिखने लग जाएगी, तुम्हारी बैट स्पीड इंक्रीज हो जाएगी उस शॉट में। अब इसी को हम और शॉट्स में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमें स्ट्रेट ड्राइव मारनी है तो इमेजिन करो सामने से कोई बॉलर बॉल फेंक रहा है और हम स्ट्रेट ड्राइव मार देंगे, ठीक है, तो इससे भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अब इसको हम नेक्स्ट लेवल पे भी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट लेवल का मतलब है कि अल्टीमेट लेवल। तो उसे क्या करना है, अब यहाँ पे सेम चीज करनी है, इमेजिन करना है, बट हमें खेलना है एक हाथ से, ठीक है। स्टार्ट करना
फ्रंट हैंड है उससे, यानी वापस इमेजिन करो कि कौन कोई बॉलर बॉल फेंक रहा है, और आगे बढ़ के एक हाथ से अपनी ड्राइव कंप्लीट करो, मतलब यहाँ पे लाके कंप्लीट करके फिर वापस आ जाओ। इसे करते रहो जब तक तुम फील ना करो कि तुम थक चुके हो। अब ये सब चीजें हम बॉटम हैंड के साथ भी कर सकते हैं, यानी मेन बॉटम हैंड भी तो होता है पावर जनरेट करने के लिए, तो हम बॉटम हैंड को भी अकेले बॉटम हैंड से या ड्राइव की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये चीज सिर्फ हम ड्राइव में नहीं कर सकते, जस्ट इमेजिन कि हमें मारना है कट शॉट, तो हम पहले तो सीधी ड्रिल कर सकते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, एक हाथ से ड्रिल कर सकते हैं, और या फिर हम अपने बॉटम हैंड से भी ये ड्रिल कर सकते हैं। तो ये करने से हमारा बॉटम हैंड अकेले ही, अब ये जो मसल्स है अकेले के लिए काम कर रही है, कहाँ हम दोनों हाथों का यूज कर रहे हैं, कहाँ अब एक हाथ का यूज कर रहे हैं, तो पक्का ही है कि हमें तुम्हारे इन मसल्स पे जोर आएगा। तो ऑब्वियस ही बात है धीरे धीरे ये मसल्स बिल्ड होना शुरू होगी और तुम्हारी बैट स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसके साथ न्यूट्रिशन भी जरूरी है, अगर न्यूट्रिशन नहीं लेते तो फिर कोई मतलब नहीं होगा, अगर तुम खाना नहीं खाओगे और उसके बाद भी एक्सरसाइज करोगे तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। तो ये हो गई ये ड्रिल, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं अपनी बैट स्पीड को बढ़ाने के लिए, अब एक और टेक्निक ये है कि हम अपने बैट या तो एक भारी बैट चुन सकते हैं अपने नॉर्मल बैट से, या फिर हम कर सकते हैं इसको रैप अप जो टेप लगी हुई है ये वाली टेप, इससे, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये बैट अपने वेट से भारी हो जाएगा। अब तुम्हें मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने बताया 3 किलो बनाने की कोई जरूरत नहीं है भाई, 3 किलो अगर तुम अपने वेट को कर लो, अपने बैट के वेट को कर लोगे ना, तो तुम्हारा खेलने का भी मन नहीं करेगा, असलियत की है। और अगर तुम खेल भी लेते हो, तुम्हारे अंदर डेडिकेशन है, तुमने भाग मिल्खा भाग देखी है अभी अभी, और तुम सोच रहे हो कि, या फिर एमएस धोनी देखी है, तुम सोच रहे हो कि मैं आप अपनी बैट स्पीड बढ़ाऊँ एमएस धोनी जैसे करूँ, बट जैसे ही तुम करने जाओगे 50 बॉले खेलते ही, आई कैन गारंटी अगर तुम मेरे जैसे हो पतले, मतलब जो एक्टिव पर्सन होता है, एक ज्यादा कोई मोटा नहीं है ना ज्यादा पतला है, बीच का है बीच का है, तो तुम अपने रिस्ट तुड़वा चुके होगे 3 किलो के बैट से अगर खेलते हो, क्योंकि यार जब हम रिस्ट का यूज करेंगे, अब ये नॉर्मल बैट से कभी तुमने टेस्ट खेला होगा, और अगर तुम ज्यादा चल जाते हो तो तुमने कभी नोटिस किया है जब हम खेलने लगते हैं तो हमारी ये जो रिस्ट है, मतलब काफी ज्यादा रन खेल चुके होते हैं तो ये रिस्ट पेन होने लग जाती है, वो भी सिर्फ एक नॉर्मल बैट से। तो तुम खुद सोच लो यार, अगर 3 किलो का बैट, ये अभी 1 किलो का वेट है, 1 किलो का बैट है, अगर इसके हम बार बार रिस्ट का यूज करते रहेंगे तो ऑब्वियस बात है दुखने लग जाएगी, वही 3 किलो का होगा तो तुम्हारे रिस्ट की तो लग जाएगी, ठीक है। तो ये एकदम गलत है, तुम बताऊं क्या करो, सिर्फ इसको एक टेप से रैप कर दो, भारी हो जाएगा, और वो काफी होगा, जितना भारी होगा ना बहुत होगा अपनी बैट स्पीड बढ़ाने के लिए। और फिर उसके बाद उससे वही प्रैक्टिस करो, ये आगे ले जाओ, या फिर तुम स्ट्रेट ड्राइव मारो या फिर ऑन ड्राइव मारो, बट यहाँ पे तुम ये याद रखना, जब तुम ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपने फुट मूवमेंट जरूर यूज करना, मतलब कि ये नहीं है कि तुम यहाँ खड़े खड़े बस ऐसे 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 मारते रहो, हर बारी जब भी तुम पहले सांस लो फिर अपना फुट मूवमेंट जरूर यूज करो, क्योंकि अगर तुम वो नहीं यूज करोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम आएगी बाद में खेलने में, तुम्हारा पैर बाहर नहीं आएगा जो कि एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फुट मूवमेंट जरूर यूज करना, मेरे बोलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि। तो ये होगी ट्रिक जो हम बैट से कर सकते हैं। अब बात आती है हम और क्या क्या कर सकते हैं अपनी बैट स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो हम अपनी बैट स्पीड बढ़ाने के लिए जो कर सकते हैं, हम अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। तो बैट स्पीड बढ़ाने में मैंने अभी एक वीडियो देखी थी एक चैनल पे, ठीक है, तो उसमें कहा था कि तुम्हारे शोल्डर बहुत जरूरी है, बट शोल्डर से ज्यादा हमें क्या लगता है कि हम जिम जाएंगे तो हम अपनी जो बैक लिफ्ट है बढ़ा लेंगे, अपनी बैक स्पीड बढ़ा लेंगे, बट ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि सिर्फ शोल्डर काम नहीं आते हैं यार। अब खुद देख लो यार, यहाँ जब मैं मारने जा रहा हूँ शोल्डर का कहाँ यूज हो रहा है, बहुत कम पार्ट में हो रहा है शोल्डर का यूज, ठीक है। शोल्डर का यूज यहाँ जाके होगा, यहाँ जाके, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जब तक बॉल को कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ तक शोल्डर का यूज नहीं हो रहा, एक तो यहाँ हो रहा है यहाँ से फोर्स जनरेट करने में, और यहाँ पे आके यहाँ से जब हम आगे धक्का दे रहे हैं, ठीक है, कनेक्शन तक, तो वहां पे शोल्डर यूज नहीं हो रहा, मेन हो रहा है क्या, देखो अब यहाँ गए हम, तो पहली बात तो हमारी जो हिप है वो यूज हो रही है, ठीक है। तुमने कोहली का इंटरव्यू शायद देखा हो, नहीं देखा हो मुझे नहीं पता, तो उन्होंने भी यही कहा था कि हम अपनी अपर बॉडी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं लोअर बॉडी की जगह, तो हमें अपनी लोअर बॉडी पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि वही चीज है जो हमारी क्रिकेट में हेल्प कर सकती है। तो
अब हम लोअर बॉडी के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम लोअर बॉडी के लिए कर सकते हैं, पहली बात तो हम मार सकते हैं स्क्वैट्स, तो मतलब नॉर्मल जरूरी नहीं है तुम्हें जिम जाना है, अगर तुम्हें वेट लेना है, वेट ही चाहिए तो बैट को रख लो यार यहाँ पे, या फिर कुछ और घर में बहुत चीजें हैं, और अपने बस अपना जाओ नीचे ऊपर आओ, ऊपर जाओ नीचे आओ, नीचे जाओ ऊपर जाओ, जो भी करना है करो, तो तुम्हें जिम जाने की जरूरत नहीं है थोड़ा मोटा गेम इंप्रूव करने के लिए। हाँ अगर तुम हाई लेवल पहुंच गए तो तब तुम्हें पैसे भी मिलेंगे यार, एसोसिएशन से मिलेंगे पैसे, तो तुम्हें तब अपने रुपए खर्च करने की जरूरत भी नहीं होगी, अभी के लिए तुम घर पे भी कर सकते हो। पूरी बॉडी की अगर तुम अपनी पूरी बॉडी का ध्यान रख सकते हो तो और अच्छा है, तुम उसके लिए कर सकते हो पुशअप कर सकते हो, डंबल्स चक सकते हो, और किसका यूज हो रहा है यहाँ पे, और हो रहा है रिस्ट का, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे लिए, मुझे नहीं पता तुम्हारे लिए हो, बट जब भी हमें बैट स्पीड इंक्रीज करनी है, जब भी हम बॉल से कनेक्ट करने जा रहे होते हैं, जितनी हमारी रिस्ट में फ्लिक करने की ताकत है उतना ही तगड़ा शॉट जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो हम कर रहे हैं इससे भी हमारी रिस्ट पे मजबूत होगी, बट हम कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं रिस्ट को मजबूत करने के लिए, उसके लिए वीडियो मैं बनाऊंगा, तुम अपनी रिस्ट कैसे बढ़ा सकते हो, बहुत पावरफुल कर सकते हो, उसके लिए वीडियो आएगी, ठीक है। तो अभी के लिए एक है, मतलब एक तुम एक चीज आती है जो कि हाथ ऐसे नीचे ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हो, या फिर आप अपनी ग्रिप, ये जो ग्रिप स्ट्रेंथ है इसको बढ़ाने के लिए जो ग्रिपर आता है वो यूज कर सकते हो, उसके लिए भी दो वीडियो है यहाँ पे, आई बटन जो है उसमें सारी वीडियो मैं तुम्हें लिंक करके दे रहा हूँ, तुम वहां से देख लेना। नेक्स्ट थिंग हम क्या कर सकते हैं अपनी बैट स्पीड बढ़ाने के लिए, तो नेक्स्ट थिंग में हम कर सकते हैं ये, नॉट दिस बल्कि दिस, अपने पैर नहीं हिलने चाहिए, बस अपनी अपर बॉडी हिलाओ। तो अब यहाँ पे तुम सोच रहे हो ये तो बॉडी बिल्डिंग सिखाने लगे, ना मेरे भाई बॉडी बिल्डिंग नहीं सिखा रहा। तो अब देखो अब क्या है, जब हम बैट को यूज करते हैं यहाँ से घुमा रहे हैं, तो अब क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ठीक है, शोल्डर यूज हो रहे हैं ठीक है, बट मेन क्या यूज हो रहा है हमारी बैक, जब हम पुल शॉट मारने जा रहे हैं तो ये जो चीजें मूव क्या कर रही है ये चीज है, ठीक है। तो बॉडी में से स्टिफनेस हटेगी अगर तुम ये करते हो, और प्लस में तुम्हारी ये जो बैक की मसल्स है वो पावरफुल होगी, बैक को पावरफुल बनाने के लिए तुम पुलअप कर सकते हो, चिनअप कर सकते हो, बहुत सारी चीजें, और प्लस में तुम्हारा क्या यूज हो रहा है, ये जो एब्स है, जब भी हम पुल शॉट मारने जाते हैं, यानी जो भी शॉट है यहाँ पे अब हमारे एब्स यूज कर रहे हैं, तो हमें सिक्स पैक नहीं चाहिए उसके लिए, बट एक स्ट्रॉन्ग जो है स्ट्रॉन्ग पेट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, और इसके लिए नहीं जरूरी है तुम डंबल लो, इसके लिए तुम नॉर्मल है एक बैट भी ले सकते हो, बट बैट से वो हार्ड नहीं होगा, तो तुम क्या कर सकते हो, घर में चक्की पड़ी होगी आटा पीसने वाली, मैं वही करता था पहले, ठीक है, तो वो ले सकते हो, उसे यहाँ पकड़ के मूव कर सकते हो। वैसे ये सब चीजें अगर तुम्हें सीखनी है तुम किसी हेल्थ वाली साइट पे जाके सीख सकते हो कि अपने बैक को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए, बट मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ कि तुम क्या क्या कर सकते हो, ठीक है, या फिर ईट ले सकते हो, या फिर कुछ भी यार, अगर कुछ नहीं मिल रहा तो कोई बोरी भर लो, यहां ऐसे पकड़ लो और ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है, ओके चक्कर मर गया, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो तुम अपनी बैट स्पीड बढ़ाने के लिए, तो बस यही सब चीजें अगर तुम ये फॉलो करते हो, कुछ इनमें से कुछ एक्सरसाइज करते हो, मतलब एक तो अपनी फिटनेस पे ध्यान दे दो। अब मैं एक बार तुम्हें वापस से समझा देता हूँ तुम्हें करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तुम क्या करो, अपनी फिटनेस पे ध्यान दे दो, सुबह एक रूटीन बना लो, उसमें तुम ये जो एक्सरसाइज मैंने बताई है वो करो, मतलब डंबल से इधर उधर करो, पुशअप्स करो, स्क्वाट्स करो, चिन अप करो, पुल अप करो, ये सब करो, ठीक है। प्लस में स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज भी करो, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे हम जल्दी ही, ठीक है, वो कर लो। फिर एक अलग से रूटीन बनाओ, यानी आधा घंटा निकालो, सिर्फ आधा घंटा, उसमें तुम आधे घंटे में क्या करो, कोई क्रिकेट की एक्सरसाइज नहीं करनी अगर तुम बैट्समैन हो तो, ठीक है, बस ड्रिल करनी है, बस ड्रिल करनी है, ठीक है। तो उससे क्या वो कर सकते हो, और प्लस में अपनी जो मेन एक्सरसाइज है, यानी तुम्हारा जो मेन है क्रिकेट खेलना, वो मत छोड़ो, तुम क्रिकेट खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो डेली, ये सब जो करना है तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम निकाल के करना है, और मेन तुम्हारा फोकस होना चाहिए क्रिकेट खेलने में, क्योंकि जो तुम ऑन फील्ड अपने अंदर बदलाव ला सकते हो ना, वो विदाउट फील्ड के नहीं ला सकते, कितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज
लाइक करना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना। हो सकता है ये वीडियो वायरल चली जाए और अगर चली गई तो मजे ही आ जाएंगे। उसके लिए तुम्हें शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर देना और घंटा जरूर दबाना, क्योंकि जो नोटिफिकेशन होती है ना वो बिना घंटा दबाए नहीं मिलती है। वीडियो बहुत लंबी होगी बट अगर तुमने यहाँ तक देख लिया है तो मैं गारंटी कर सकता हूँ अगर तुम इसे मतलब अपनी रूटीन में शामिल कर लोगे तो तुम्हारी बैट स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अभी मैं घुटनों पर बैठा हूँ जो कि दुख रहे हैं, ठीक है। तो बाय बाय, शब्बा खैर, जय हिंद, हैव ए गुड डे।